नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें, देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,77,29,247 पहुंच चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना का कहर लगातार जारी है। इसी बीच देश भर में कोरोना से अब तक 3,22,512 लोगों की मौत हुई, तो वहीं देश में कोरोना से अब तक 2,51,78,011 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना की एक्टिव मरीजों की संख्या 22,000 देश में एक्टिव मरीजों की संख्या जो है 22,28,724 पहुंच चुकी है। बड़ी खबर कोरोना से रिलेटेड आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना महामारी के दौरान देश में कोरोना मरीजों के ताजा आंकड़े इस वक्त सामने आए हैं, जहां पर आपको बता दें देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 22,028 के आसपास पहुंच चुकी है। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,77,29,247 के पास पहुंच चुकी है। देश भर में कोरोना से अब तक 3,22,000 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं देश में कोरोना से अब तक कई मरीज ठीक हो चुके हैं। अधिकांश जो लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट बेहतर हो चला है। कोरोना की अपडेट इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 22,28,724 पहुंच गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ये बड़ी अपडेट अलीगढ़ जहरीली शराब मामले में सामने आई है। बता दें, अलीगढ़ में जहरीली शराब के कहर का मामला दर्ज कर लिया गया है, तो वहीं जहरीली शराब कांड में मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। जहरीली शराब पीने से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी कई लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आर्य न्यूज के जरिए आपको दिखा रहे हैं, हाल ही में पुलिस ने छापेमारी कर अलीगढ़ में अवैध शराब के कारोबार पर भांडाफोड़ करते हुए कार्रवाई की थी। और इसी बीच जो है आपको बता दें, अलीगढ़ में 7 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी जो है कड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे, एनएसए लगा दिया गया था। और इसी बीच अब जो है ये खबर निकलकर सामने आई अलीगढ़ से, जहां जहरीली शराब का सेवन करने वाले लोग हैं उनमें से मौत का जो आंकड़ा है बढ़ चुका है। 28 लोगों की अब तक जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है। अलीगढ़ से जहरीली शराब कांड का पूरा मामला सामने आया है, जहां अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं इसी बीच आपको बता दें, जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं अब तक 18 शवों को किया जा चुका है पोस्टमार्टम, और इसी के साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है।